नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मेसिस्ट योगेश कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल फार्मेसी हेल्थ केयर। मैं हूं फार्मेसिस्ट योगेश कुमार और आज मैं आपके सामने एल्थ्रोसिन लिक्विड का रिव्यू प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए इस लिक्विड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एल्थ्रोसिन लिक्विड एक सस्पेंशन है और इस सस्पेंशन का मुख्य जो घटक है, मुख्य जो इंग्रेडिएंट है वो है एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट। इसके 5 ml में एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट 125 mg मिला हुआ है, सॉल्युबल है। आप इस सस्पेंशन को किसी भी मेडिकल स्टोर से 41 रुपये में इसे परचेज कर सकते हैं, आप किसी भी फार्मेसी से, किसी भी मेडिकल स्टोर से। इस लिक्विड को एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स ने मैन्युफैक्चर किया है। आइए इस दवाई के वर्किंग एक्शन की बात करते हैं। यह है जो एल्थ्रोसिन लिक्विड है, किस प्रकार से वो शरीर में वर्क करता है। तो एल्थ्रोसिन लिक्विड में जो मुख्य घटक है, मुख्य जो इंग्रेडिएंट है वो है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करती है। एरिथ्रोमाइसिन जब शरीर के अंदर पहुंचता है तो यह बैक्टीरियल सेल वॉल के राइबोसोम से कनेक्ट हो जाता है और बैक्टीरियल सेल वॉल की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसे अवरुद्ध करता है, जिससे एरिथ्रोमाइसिन एक बैक्टेरिसाइडल जीवाणुनाशक जो प्रभाव है वो उत्पन्न करता है। एरिथ्रोमाइसिन को हम ओरल रूट से अगर लेते हैं तो यह है स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और यूरिन के थ्रू ये जो मेडिसिन है वो उत्सर्जित हो जाती है, एक्सक्रिएट हो जाती है। एल्थ्रोसिन लिक्विड की अगर हम बात करते हैं डोज की, तो अगर कोई एडल्ट पर्सन है जिसे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पीड़ित है तो उस पेशेंट को आप 5-5 ml दिन में QID यानी दिन में 4 बार आप इस मेडिसिन को उस पर्सन को पिला सकते हैं। यदि कोई बच्चा है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पीड़ित है, उससे डिप्थीरिया है, निमोनिया हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस बच्चे को 5-5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के यूज़ की। तो इस मेडिसिन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम खांसी में, अगर किसी को खांसी हो गई है, काफ़ी दिन से ठीक नहीं हो रही है, तो आप उस पर्सन को, उस पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं। और नेक्स्ट यूज़ की अगर हम बात करते हैं, इस मेडिसिन को आप न्यूमोनिया में, साइनोसाइटिस में, ब्रोंकाइटिस में, ट्रेंच फीवर में, क्लाइमाइडियल इन्फेक्शन में और पर्टिसिस में भी दे सकते हैं। इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो इस प्रकार हैं: रैशेस ऑन द स्किन, अर्टिकेरिया, नाउजिया, वॉमिटिंग, GIT डिस्कम्फर्ट, ऑटोटॉक्सिसिटी, सेंट्रल नर्वस न्यूरोटॉक्सिसिटी, जॉन्डिस, इओसिनोफिलिया। इस मेडिसिन के कुछ मुख्य साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के सेफ्टी इंडेक्स की। तो ये जो ड्रग है वो उसे सेफ्टी इंडेक्स में बी कैटेगरी में रखा गया है, यानी इस मेडिसिन के किसी प्रेग्नेंट वुमन को नुकसान पहुंचाने के कोई पॉजिटिव प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस मेडिसिन की अगर ड्रग इंटेक्शन की बात करते हैं, तो इस मेडिसिन को आप किसी भी पेशेंट को खाली पेट ही दें तो बेहतर है। ये जो मेडिसिन है, आप इसे किसी पेशेंट को खाली पेट यानी खाना खाने से 1 घंटा पहले दे सकते हैं, या आफ्टर मील आप इसे 2 घंटे बाद किसी पेशेंट को पिला सकते हैं। पिलाने से पहले इस मेडिसिन को अच्छे से मिला लेना होता है, क्योंकि ये एक सस्पेंशन है जिसमें जो मेडिसिन है वो इसके बॉटम में कलेक्ट हो जाती है। सो सेक वेल बिफोर द यूज़ ऑफ एनी सस्पेंशन मेडिसिन।
अब मैं इस दवाई के कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। ये एक एंटीबायोटिक सस्पेंशन है, सो इसके यूज़ से पहले आप किसी डॉक्टर और फार्मासिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है, इट मे बी हार्मफुल टू एनी पर्सन। सो प्लीज़ टेक केयर। एंड नाउ आई एम सेइंग थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरा जो चैनल है फार्मेसी चैनल फार्मेसी हेल्थ केयर, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आने वाले जो वीडियो हैं वो भी आप तक पहुंचते रहेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, बेल आइकन को आपको दबा देना है और लाइक का बटन भी आपको दबा देना है। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो कम्प्लीट करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, लिव हेल्दी, लिव हैप्पी। नमस्कार।